Raginya. Cuk. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। बिहार के दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र से आ रही है। बिरौल अनुमंडल के बहेरी थाना क्षेत्र में बता दें कि 3 बच्चों के पिता का बेरहमी से हत्या कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो वन सुरक्षा के तहत खासकर वन विभाग का गार्ड था। बताया जा रहा है कि जो वन विभाग का गार्ड था वो लंबा दूरी जो कमला नदी का जो बांध है उसके किनारे किनारे जो पेड़ है या फिर उसके किनारे किनारे ही उसकी ड्यूटी थी और वो सुरक्षा करता रहता था, लेकिन कल के दिन देर रात उसकी हत्या कर दी गई है। पूरा मामला बताएंगे, इंटरव्यू सुनाएंगे, लेकिन जिस तरह से अपराधियों का जो मनोबल बढ़ गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को अपना जो रौद्र रूप है वो दिखाना पड़ेगा। ऐसे में खासकर ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि पूरा जो दरभंगा के SSP अवकाश कुमार हैं उन्होंने तुरंत ही खासकर कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया है। और यहाँ दल बल के साथ जो है वरुण गोस्वामी हो या फिर SI खुशबू कुमारी हो या फिर रोशन कुमार हो, ऐसे तमाम जो पदाधिकारी हैं थाना के वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोगों ने तुरंत ही बेलगांव गांव में जाकर छापेमारी किया है। आपको जानकारी दे देते हैं, दरभंगा जिला में सुबह सुबह सब मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। वन विभाग के चौकीदार की हत्या कर शव को नदी किनारे छोड़कर अपराधी फरार हो गए हैं। वहीं मृतक लाल यादव चौकीदार के साथ एक घायल युवक के बयान पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अपराधियों को पकड़ने गए पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला भी कर दिया है। बीच बचाव में पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। इस बीच आपको बता दें कि जिला के बहेरी थाना क्षेत्र के अटही गांव के रहने वाले लाल यादव का शव बलीगांव कमला नदी के किनारे मिला है। बाइक से जा रहा था राम कुमार यादव को घायल अवस्था में DMCH में भर्ती कराया गया है। वही घायल के बयान पर ग्रामीणों ने उमेश मंडल, सतेंद्र मंडल, किशोर शर्मा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर ऑन द स्पॉट ग्रामीणों ने यह फैसला किया और पुलिस का सहायता करते हुए, पुलिस बल के जवानों का मदद करते हुए वहां पर अपराधियों को पकड़ लिया है जिसके ऊपर आरोप है। लेकिन अब जांच का विषय है कि आखिरकार होता क्या है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा है, यही है, देख सकते हैं, यही मृतक है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बच्चों में एक बेटी जो है वो शादी के उम्र में जा रही है। बताया जा रहा है कि उसकी कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद जो है उसका शादी होने वाला था, उसकी भी तैयारी कर रहा था। लेकिन इस बीच जो दुखद खबर आ रही है वो ये आ रही है कि धारदार हथियार से हत्या कर दिया गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि उमेश शराब बनाने का पिलाने का काम करता है था, जिससे हो सकता है लाल यादव का बहस हुआ होगा, इसके बाद दोनों की लड़ाई हुई होगी और उसका हत्या कर दिया। लाल यादव के साथ राम कुमार यादव भी जो घायल है उसके बयान पर हम लोगों ने 3 को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं क्या घटना हुआ। सवेर में 7 बजे जानकारी मिली कि यहाँ जो है सो घटना घट गया है। तो हम लोग यहाँ आए तो लाल यादव का हम लोग लाश देखे, लाश देखने के बाद पता चला यहाँ घटना स्थल पर आने के बाद कि ये लोग उमेश मंडल करके दारू बनाता है, उसमें डोमू मुखिया भी संलिप्त रहता है। लोग दारू बना के बेलगांव वासी हैं, ये लोग दारू बेचते हैं। जब पता चला, उसके साथ में भी पीने वाला एक लड़का था, वो भी हम लोगों को मिला, वो जानकारी दी कि हम भी उस समय में लगभग 7 बजे शाम में थे और ये लोग उसी जगह उमेश मंडल के यहाँ दारू पी रहा था। इन लोगों में आपस में हो हल्ला जब होने लगा तो हम लोग वहाँ से जो है निकल गए, ऐसी हम लोग को जानकारी मिली। वो लड़का कहा कि हम लोग निकले। कौन बोला ये बात? वो एक लड़का है, उसका कुछ की नाम है, किशोरी शर्मा भी था और एक और लड़का था, ओकरा की नाम है छोड़ा, सुरेश दास भी था। कहाँ का रहने वाला है? वो कमलपुर का रहने वाला है। तो वही जानकारी दिया कि हम भी उसमें थे, मतलब तो हम सवेरे निकल गए। जब इन लोगों को हो हल्ला होने लगा तो वो कहा कि हम सवेरे जो है सो निकल गए। तब हम लोग जो है सो घटनास्थल पर गए हैं तो उमेश मंडल को हम लोग खुद पकड़े हैं, पकड़ाया है। और उसके घटना को जो मतलब उमेश मंडल को छुड़ाने के लिए 2 लड़का भी वहां पर आ गया था तो उन लोगों को भी हम लोग जो है सो पकड़ के प्रशासन हैंड ओवर कर दिए। अच्छा, ये बताइए मर्डर किसका हुआ है, वो कहाँ का रहने वाला है और क्या? मर्डर हुआ है लाल यादव, उसका नाम है, उम्र करीब 38-40 होगा और पिता? घर अठी ग्राम पड़ता है। पिता जो है सो पिता नाम स्वर्गीय जगदीश यादव। हाँ, कितना बच्चा है उनका? उसको 3 बच्चा है, 2 बेटा और 1 बेटी है। अच्छा, लाल क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे और वन विभाग में चौकीदार था।
अच्छा, ये जो वन विभाग है ना तो इसमें ये चौकीदार भी। कहाँ से कहाँ तक? ये बेलगांव मोड़ से लेके इधर रघवा मोड़ है, सुसारी रघवा सुसारी सीमा तक में जो है। घायल कौन हुआ है? घायल उसके साथ में जो था राम कुमार यादव, घायल है, उसको डीएमसीएच ले जाया गया है। ये कहाँ का रहने वाला राम कुमार? वो कमलपुर नवटोलिया का रहने वाला। अच्छा, तो ये लोग मतलब ग्रुप बना करके पीने के लिए गए थे क्या? सो हमने बता दो अब तो राम जो उसके साथ में जो जिंदा है वही ना बताएगा कि मान लीजिए फैक्ट क्या है, ग्रुप बना के पीने के लिए गया था या कहीं से आ रहा था। अब जो जिंदा है जो उसके साथ में जो है वही ना जानकारी देगा जो घटना कैसे। घटना कितने बजे की प्रतीत हो रही है, कितने बजे लग रहा है? अब ये बात नहीं बता सकते, सिर्फ हम लोग तो 7 बजे करीब यहाँ आए हैं, 7:30 बजे। अब रात में क्या बजे घटना घटी है ये जानकारी नहीं है। हत्या का आरोप किसके ऊपर लगा रहा है परिवार? ये कैसे क्या कहा जा सकता है, जब मान लीजिए हम और आप इसमें से कोई है ही नहीं। आप कौन है? आप हम लोग अपेक्षित लोग हैं। अपेक्षित है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम सेवक यादव हूँ। गेवाल पुल से दक्षिण कमला नदी के किनारे एक व्यक्ति का जो लाश पड़ा हुआ है, इस सूचना पर अपने दलबल के साथ जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि लाल किशोर यादव, उम्र करीब 43 वर्ष, पिता जगदीश यादव, साकी माठी, थाना बहरी, जिला दरभंगा है, जिसका कुछ लोगों ने हत्या कर दी है, जिसके आलोक में हम लोगों ने 3 संदिग्ध को जो पकड़ा है, छानबीन की जा रही है, सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। सर, जो ग्रामीणों का मांग है वो पूरा होगा ना? एकदम पूरा होगा। क्या कर अभी तक क्या किए हैं आप लोग? हम लोग जो अब तक जो है 3 अरेस्टिंग किए हैं और लाश को जो पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं, और जितना जल्दी हो इसमें जो न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। गांव कौन सा था सर ये? ये गांव जो है अठही कहलाता है। कहां पर उसको चोट लगा है जो मृतक है उसको? सर में चोट है। सर में, ठीक है सर, थैंक यू। हम लोग अपने दल आ लेंगे, जाइए। तो चढ़ान है तो झीके पड़त एक हम अरे भी बाहर देखने आते छिए। हां बाबू सब हम सरवल में नाम दारू वाला बात कहियो ना, कहियो ना, कहियो ना, हाँ कहियो ना, आवा बिन्या सबके यारी आगो हारी।
भैया पूछ रही थी आशा वर्षा कुमारी हुआ है। आप सुबह करीब 8 बजे थाना को सूचना मिला कि अठी ग्राम अंतर्गत हुई है। क्या घटना हुई और क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ जो घटना हमारे क्षेत्र में जो घटना हुई बहुत ही दुखद घटना हुई है। और जिनका यह इस तरह का घटना हुआ है, हम लोग से बहुत घुले मिले व्यक्ति थे, हम लोग के मतलब मित्र थे, वो हमारे मित्र के मित्र थे, हम लोग आते थे बराबर उनसे, अच्छा व्यवहार भी था उनका। अब पर किस कारण ये घटना हुआ है ये हम तो नहीं बता सकते हैं, अभी तो जाँच का विषय है, पुलिस प्रशासन जाँच करेगी तभी पता चल पाएगा क्या कैसे घटना हुआ है। पत्रकार हैं क्या? कितना दुखद है ये घटना? बहुत ही दुखद है, मतलब वो फैमिली वाला था, बाल बच्चा है और यंग है, इस क्षेत्र के लिए तो बहुत दुखद घटना है और इसका बयान नहीं कर सकते हैं कितना दुखद है। अच्छा, रात बिरात लोग अपना रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए कहीं कहीं काम करते हैं और इस तरह से निहत्थे के ऊपर हमला कर देना या मर्डर कर देना, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि नहीं? चिंता का विषय देखिए, मूल हम बोल रहे हैं, हमारा रिकॉर्डिंग कीजिए। बहुत चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है और हम चाहेंगे, प्रशासनिक जो प्रशासन है उनसे भी मांग करेंगे, जो क्षेत्र है हमारा यहाँ पर व्यवस्था किया जाए इस तरह का। ये सुनसान इलाका है यहाँ से और यहाँ इलाका जो बहुत सुनसान है। क्या नाम हुआ? विकास यादव। कौन है आप? प्रदेश सचिव युवा जदयू।